रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमदानी चंदा की अपील की, यूं देखा फरमाया कौन है इंसाफ करने वाला। उस्मान रजी अल्लाह तआला ने निगाह इशारत के साथ में आया, किया 300 खल्ले से लदे हुए ऊंट कबूल फरमाइए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यूं देखा फरमाया कोई और। उस्मान दौड़ता हुआ निगाह रसूल के सामने आया, अर्ज किया 300 खल्ले से लदे हुए ऊंट और कबूल फरमाइए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यूं देखा फरमाया कोई और। उस्मान दौड़ता हुआ निगाह रसूल के सामने आया, अर्ज किया अल्लाह के रसूल 300 गल्ले से लदे हुए ऊंट मजीद कबूल फरमाइए। 70 जंगी तबीयत याफ्ता घोड़े भी कबूल फरमाइए। और पिशावर के नौजवानों, उस दौर का जंगी घोड़ा असर हाजिर के F-16 से भी ज्यादा अहम था। F-16 की क्या उस घोड़े के मुकाबले में निस्बत हो सकती है कि जिन घोड़े की चाकू की कसमें अल्लाह ने कुरान में खाई हूं। 70 घोड़े उस्मान ने पेश किए। हाँ, अल्लाह दौलत दे तो उस्मान जुनूरैन जैसा दिल भी अल्लाह कि कभी मस्जिद नबवी के सहन के तौसी में उस्मान पर मार का मारा आए, कभी वीर रूमा को खरीद करने में उस्मान की दौलत काम आ रही है, और कभी अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला की शादी के अखराजात के लिए उस्मान की दौलत काम आ रही है। मैं कहा करता हूं जिन्हें उस्मान के नाम से चिढ़ है और हजरत अली के वारिस बनते हैं, बराह करम वो कब्जा तो वापस दे दें। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जिले बेचने के लिए जा रहे हैं, इसलिए कि वहीमे के अखराजात के लिए कुछ चाहिए, शादी के अखराजात के लिए कुछ चाहिए। सामने उस्मान आ गए, दोनों भाइयों की मुलाकात हुई। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा अली से, कहाँ जा रहे हैं आप? फरमाया बिन्ते रसूल से निस्बत हो गई है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लत के जिगर से शादी होने वाली है, तो अखराजात की फराहमी के लिए जिरह बेचने जा रहा हूं। उस्मान ने जिरह में भी नजर डाली, अली के चेहरे पे भी नजर डाली, दिल में सारी बात आ गई कि मुजाहिद के लिए जिरह कितनी कीमती हुआ करती है। फरमाया अली, अगर ये जिरह मैं खरीद कर लूं तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? फरमाया एतराज क्यों होगा, मुझे तो खुशी होगी कि भाई की चीज भाई के घर में रहेगी, कोई और ले जाएगा। अगर किसी और के बजाय आप ले जाए तो मेरे लिए तो मकाम सबक है, कीमत तय पाई। उस्मान ने कीमत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पे रख दी, और सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिरे उस्मान को दे दी। पैसे लेकर जिरे देकर हजरत अली रवाना हुए। उस्मान ने जाते हुए अली को आवाज दी, अलारिस ने कहा अली ठहरो, अली सौदा तो बेबाक हो गया, पैसे आपके पास जिरह मेरे पास, ये तो मामले की बात, अब मेरे दिल का फैसला भी सुनिए, पैसे भी जिरह भी आप रखिए, ये पैसे भी कबूल फरमाइए।
ताकि बिन्त रसूल और अपने दूल्हा भाई की शादी में कुछ उस्मान का हिस्सा भी शामिल हो जाए। तो मैं याद कर रहा था गज़वे तबूक की तजहीर के मौके पर उस्मान ज़ुल्हुरैन ने 9 साल गले से लदे हुए ऊंट पेश किए और कितने घोड़े 70 तबीयत याफ्ता चंगी तबीयत याफ्ता घोड़े हाजिर किए। फिर खाए तशरीफ ले गए, चादर बिछा ली, सोने के दराहिम चादर में डाल लिए। ये सोने के पाउंड होते हैं ना, सिक्के सोने अशरफिया, चारों कोने चादर के लेकर गठरी बांधकर बारगाह रिसालत में आए, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान के हदीये को इस हाथ से पलटते हैं, फिर इस हाथ से पलटते हैं और एक खास तसल्ली के साथ दोनों हाथ दुआ के लिए बुलंद करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी रज़ीतु अन उस्माना फ़र्ज़ियन हो। उस्मान पर फर्श पे राजी हो जाऊं, तू अर्श पे राजी हो जा। अल्लाहुम्मा इन्नी रज़ीतु अन उस्माना फ़र्ज़ियन, अरे अल्लाह मैं उस्मान पर फर्श पे राजी हो जाऊं, तू अर्श पे राजी हो जा। फिर एक यादगार जुमला फरमाया, फरमाया मा सल्ला उस्माना आज के बाद मैं ऐलान करता हूँ कि उस्मान को दुनिया की कोई बात नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी, ये यकीनी जन्नती है। मैं आपसे पूछता हूँ, जिस खुश नसीब के लिए रसूल जन्नत का दरवाजा खोल दे उसे कौन जन्नत के दाखिले से महरूम कर सकता है? ये तारीख बिचारी मुअर्रख समय सीना कोमी करती रहेगी और उस्मान यकीनी जन्नत। आज दिन को भी मैंने एक जुमला कहा, अब दोहराता हूं, सहाबा का फैसला तारीख नहीं करेगी, सहाबा की अजमत से तारीख का फैसला करना होगा।